Hello guys, welcome back to my channel. Today we'll be discussing about various theories of mineralization. As we know that various tissues in our body, they are mineralized, that is they contain calcium in it. So there were various theories proposed as to how this process of mineralization is taking place in those tissues. So first of all, what is mineralization? It is the process of deposition of minerals. And what do we mean by minerals here? Insoluble calcium salts. In the organic matrix, which is capable of accepting the minerals. Abhi deposition of minerals, jaise ki इनसल्यूबल कैल्शियम सॉल्ट्स, ये कहाँ पे हो रहा है? इट इज़ इन ऑर्गेनिक मैट्रिक्स. व्हाई इज़ इट टेकिंग प्लेस इन द ऑर्गेनिक मैट्रिक्स? बिकॉज द ऑर्गेनिक मैट्रिक्स इज केपेबल ऑफ टेकिंग द मिनरल्स. ओके, सी, theories of mineralization is a most commonly, one of the most commonly asked long answer question. So first of all, you need to write the introduction part in this. Okay, introduction mein bataoge ki what is mineralization, uske baad uska importance kya hai, uske aur kuch points, and then you need to explain all the theories. Theek hai? So this is what is mineralization: deposition of minerals, example insoluble calcium salts in the organic matrix which is capable of taking them. And what is the importance, like why mineralization procedure is important in our body to occur? Because it is important for heart tissue formation. ठीक है, नेक्स्ट, कैल्सिफिएबल ऑर्गेनिक मैट्रिक्स जिसमें क्या हो, अल्कलाइन फॉस्फेटेज एक्टिविटी. ठीक है, अब ये जो ऑर्गेनिक मैट्रिक्स है जिसमें कैल्सिफिकेशन हो सकता है, कैल्सिफिकेशन पॉसिबल है, इसमें क्या होना चाहिए? अल्कलाइन फॉस्फेटेज एंजाइम. तो ये ऐसा ऑर्गेनिक मैट्रिक्स जो इसमें अल्कलाइन फॉस्फेटेज एंजाइम या अल्कलाइन फॉस्फेटेज एक्टिविटी हो, दैट इज़ द कैल्सिफिएबल ऑर्गेनिक मैट्रिक्स. इट इज़ लेड डाउन और सिक्रीटेड बाय, इसको सिक्रीट कौन करता है? सेक्रीटरी सेल्स लाइक अमीलोब्लास्ट्स. ओके, देन जो मिनरल कंपोनेंट है ऑल ऑफ ऑल द हार्ट टिश्यूज, जैसे कि इनामल, डेंटिन, उसका मिनरल कंपोनेंट क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट. ठीक है, और इसका शेप कैसा है? इट इज स्टबी रोम्बिक प्रिज्म शेप का होता है, हेक्सागोनल और प्रिज्म, क्रॉस सेक्शन में ये हेक्सागोनल दिखता है. ठीक है, ऑल्दो क्या होता है, हमारा जो बॉडी का टिश्यू फ्लूइड है उसमें भी मिनरल कंटेंट, मतलब फॉस्फेट और अदर मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं, बट उस टिश्यू में मिनरलाइजेशन क्यों नहीं होता? ओके, तो टिश्यू फ्लूइड उसमें भी मिनरल कंटेंट है. हम लोगों ने बोला कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द ऑर्गेनिक मैट्रिक्स, जिसमें ऑर्गेनिक मैट्रिक्स में क्या डिपॉजिट हो रहा है? मिनरल्स. ठीक है, अब ये मिनरल कंटेंट तो टिश्यू फ्लूइड में भी प्रेजेंट है, सो द टिश्यू फ्लूइड शुड ऑल्सो गेट मिनरलाइज्ड. बट वाई डू दे डोंट गेट मिनरलाइज्ड? इसमें वाई देर इज़ नो मिनरलाइजेशन इन द टिश्यू फ्लूइड, वॉट आर द रीजन्स फॉर दैट? फर्स्ट, देर इज substances which are present in the tissue fluid which inhibit
crystal formation. ठीक है, तो टिश्यू फ्लूइड में ऐसे सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं जो कि क्रिस्टल फॉर्मेशन को इनहिबिट करते हैं. नेक्स्ट, मिनरलाइजेशन प्रोसीजर के लिए एनर्जी चाहिए जो कि सब्सिक्वेंट अमाउंट में टिश्यू फ्लूइड में प्रेजेंट नहीं होती है. उसके बाद इसमें टिश्यू फ्लूइड में अगर ये सब्सटेंसेस इनहिबिट ना भी कर पाएँ क्रिस्टल फॉर्मेशन को, तो जो क्रिस्टल्स बनते हैं वो क्रिस्टल्स कैसे होते हैं, अनस्टेबल एंड दे आर इन इनसफिशिएंट अमाउंट. ठीक है, इसीलिए टिश्यू फ्लूइड में मिनरलाइजेशन नहीं हो सकता. उसके क्या है, देर आर थ्री रीजंस फॉर दैट. फर्स्ट, द मिनरलाइजेशन प्रोसीजर रिक्वायर्स हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी जो कि टिश्यू फ्लूइड में प्रेजेंट नहीं है. सेकेंड, जो सब्सटेंसेस क्रिस्टल फॉर्मेशन इनहिबिट करें वो सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं टिश्यू फ्लूइड में. एंड इफ एट ऑल क्रिस्टल इज फॉर्म्ड देन द क्रिस्टल इज अनस्टेबल एंड इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ क्रिस्टल इज फॉर्म्ड, तो पूरा मैट्रिक्स ले डाउन अच्छे से नहीं हो पाता है एंड उसमें मिनरलाइजेशन नहीं हो सकती. ठीक है, सो दिस ऑल थिंग्स यू नीड टू इंक्लूड इन द इंट्रोडक्शन पार्ट.